आज टनोलियार की फिजाएं सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज करने में गुजरी। मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई इदारों के मुलाजमीन ने अपने ही इदारे के आला अमलदारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन के मुलाजमीन ने टनोलियार प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया। यूनियन रहनुमाओं ने फौरी तौर पर वापडा निजकारी का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया और वापडा की निजकारी करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। सिविल अस्पताल टंडोलियार में डॉक्टर्स की कमी, मेडिसिन न होना और मौजूदा एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर अहमद अली खान टालपुर के खिलाफ पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से काम छोड़कर सख्त एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर अहमद अली खान टालपुर ने मीडिया के नुमाइंदों से कैमरा छीनने की कोशिश की, जिस पर साफी बिरादरी ने एमएस के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए इस अमल की सख्त मजम्मत की। 4 घंटों से मुसलसल सिविल अस्पताल में अमला न होने पर सैकड़ों मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि दूसरी जानिब पेटे अलिफ के असाजा की जानिब से भी सेक्रेटरी एजुकेशन के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। असाजा का कहना था कि हमारे जायज मुतालबात सेक्रेटरी एजुकेशन मानने के लिए तैयार नहीं, अगर फौरी मुतालबात मंजूर न किए गए तो सेक्रेटरी एजुकेशन की ऑफिस के सामने धरना देंगे। कैमरामैन टीम के साथ इम्तियाज हुसैन, सच टीवी न्यूज़, टंडोलयार।